हेलो दोस्तों, तो मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 12 का चित्रकला का क्वेश्चन पेपर, जो कि इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना। तो पहला क्वेश्चन है, आदमकद चित्रण राजस्थान की किस शैली में हुआ है? तो आदमकद चित्रण राजस्थान की किस शैली में हुआ है, तो ये बताना है मुझे कमेंट में। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बड़ी ठणी राजस्थान की किस शैली का चित्र है? तो बड़ी ठणी शैली किशनगढ़ की है, किशनगढ़ चित्र शैली का है ये। अगला क्वेश्चन है इसमें भारत माता चित्र बंगाल शैली के किस कलाकार ने चित्रित किया था? तो इसका आंसर बताना है मुझे, भारत माता चित्र बंगाल शैली के किस कलाकार ने चित्रित किया था। ऐसे ही अगला है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र किस आधुनिक कलाकार द्वारा बनाया गया था? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है छठवा, एनएस बेंद्रे का मुख्य चित्रण कौन सा है? तो ये बताना है, एनएस बेंद्रे का मुख्य चित्रण कौन सा है? फल बेचने वाली स्त्रियां, या कांगड़ा की स्त्री, या काली पूजा, या कमल सरोवर? तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। सतीश गुजराल कौन है? तो इसका आंसर बताना है, सतीश गुजराल कौन है? एक चित्रकार हैं, या कला समीक्षक हैं, या अभिनेता हैं, या निर्देशक हैं? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें आधुनिक मूर्तिकला का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक मूर्तिकला का जनक किसको कहा गया है, ये मुझे बताना है आपको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें जहांगीर के चित्रकार अबू हसन को किस उपाधि से विभूषित किया था? ऐसे ही ऊंट की खाल पर राजस्थान की किस शैली में चित्रण हुआ है? ऐसे ही अगला है, बारह मासा चित्रण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन है पांचवा, यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? चोलकालीन नटराज मूर्ति शिल्प किस धातु से बना है? ऐसे ही अगला है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर पढ़ लेना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें महाबलीपुरम स्थित शिल्प तीर्थम को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें जगदीश स्वामीनाथन की कृतियों की विशेषताएं बतानी है। जगदीश स्वामीनाथन की कृतियों की विशेषताएं बतानी है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें चांद बावड़ी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? वनराज मूर्ति शिल्प का क्या है, खाली जगह में, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है इसमें सभी सभी से आप क्या समझते हैं? जहांगीरकालीन मुगल काल की विशेषताएं बतानी है। कांगड़ा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए एवं उसके किसी एक चित्र का वर्णन करना है। रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला के बारे में संक्षेप लिखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें पहाड़ी चित्र शैली की विशेषताएं बतानी है। पहाड़ी चित्र शैली की विशेषताएं और पहाड़ी शैली में चित्रित नायिकाओं के बारे में बताना है। जगदीश स्वामीनाथन का परिचय देना है और उसके कलाकर्मों पर अपने विचार लिखने हैं। ऐसे ही कलकत्ता कला समूह के उद्भव का एवं विकास को बताना है। ऐसे ही अगला है, एलिफेंटा की कला के बारे में विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कितनी गुफाएँ हैं एवं किस किस धर्म से संबंधित हैं? ऐसे अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के स्थापत्य पर प्रकाश डालना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है, किराड़ू, बाठोली और ओसिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति शिल्पों के बारे में आप क्या समझते हैं? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मूर्तिकला का परिचय आप अपनी दृष्टि में मूर्तिकार किन किन माध्यमों से मूर्तिकाल शिल्प का निर्माण कर सकता है, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। शिल्प चक्र कला समूह के उद्भव के विकास को बताइए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पर संक्षिप्त जानकारी देनी है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें अवनींद्र नाथ टैगोर का भारतीय कला में क्या योगदान था? ऐसे ही अगला है, नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला को विकास में क्या योगदान है? ऐसे ही अगला है, बंगाल शैली के किस चित्रकार को आप आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? बंगाल शैली के किस चित्रकार ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, यह आंसर बताना है इसका। ऐसे ही अगला है, इसमें
अगला है किशनगढ़ शैली को विस्तृत व्याख्या करनी है। किशनगढ़ शैली की विस्तृत व्याख्या करनी है, या राजस्थान शैली की विस्तृत व्याख्या करनी है, या मेवाड़ शैली के मुख्य चित्रों की विशेषताएं बतानी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।